कोरोना की दहशत अभी दिलों से निकली नहीं है कि तीसरी लहर के खतरे को लेकर विशेषज्ञ अलर्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि केंद्र ने भी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर अलर्ट किया है, जिसमें बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने परीक्षण और निगरानी बढ़ाने के अलावा नाइट कर्फ्यू लगाने, बड़ी सभाओं और शादी समारोहों की संख्या सीमित करने की सलाह दी है। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राज्य सरकारों के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन इस बीच देश भर से जो तस्वीर सामने आ रही है वो भी चिंता बढ़ाने वाली है। फिलहाल राजनीतिक दलों की जनसभाओं पर कोई रोक नहीं है, सामाजिक कार्यक्रमों में भी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ तक कि बाजारों में आमजन बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग रखे दिखाई दे रहा है। हालांकि नेता इस दौरान एक दूसरे के कार्यक्रम पर जरूर सवाल उठाते रहे हैं। दूसरी लहर का मंजर देश ने देखा है, लेकिन बात सरकारों की हो या फिर आम जन की, किसी ने भी उससे सबक नहीं लिया। ऐसे में संभावित तीसरी लहर का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। सवाल यही है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन, सरकारें या आम जन? ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
घंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक बार फिर ओमिक्रॉन का बढ़ता दायरा। ओमिक्रॉन को लेकर कहा तो यह जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा संक्रमित कर सकता है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि खतरा नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अल्फाज हमारे को लापरवाह कर रहे हैं, क्योंकि जो स्थितियां हम लोगों ने दो लहर में देखी हैं, दो तरह से लोग प्रभावित हुए, एक वो जो कामकाज को लेकर के, दूसरा हेल्थ, यानी कि दो मेजर जो पार्ट हैं हमारे जीवन के, दोनों है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते दायरे को लेके वॉर रूम स्थापित करना चाहिए और उसके साथ ही नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। अब सबसे बड़ी जो चिंता की बात होगी वो होगी अब सेलिब्रेशंस, क्रिसमस, न्यू ईयर। दिल्ली सरकार ने रोक लगा दी है इन पे, उस क्राउड पे, और चिन्हित करने के सभी कलेक्टर्स को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो स्थान चिन्हित करें जहां क्राउड ज्यादा हो सकता है, जहां जरूरी है वहां मास्क और सोशल डिस्टेंस। लेकिन मुझे एक लगता है कि सोशल डिस्टेंस और मास्क, ये कहूं कि 2 गज दूरी मास्क जरूरी स्लोगन रह गया है, क्यों जो लोग बना के डालते हैं वो लोग ही इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो नीचे देखते हैं कि वो वैक्सीन उनके लगी, वही मेरे लगी है, तो ऐसा मुझे क्या खतरा है। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर पंकज आनंद जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ फिजिशियन है, और मुकेश पारिक जी भाजपा से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं एक पढ़ रहा था, बड़ा चिंता करने वाली बात, बिल गेट्स को भी अभी मैंने देखा कि ये लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। 3 से 73% एक वीक में जंप किया है कोरोना ने अमेरिका में, हमारे यहाँ पे 200 के पार चला गया है। और जब हम कह रहे हैं कि एक पेशेंट जब आया था तो कि ओमिक्रॉन का पेशेंट आया, अब तो 200 से पार चले गए बहुत ही जल्दी, और 3 गुना संक्रमित करने वाला ये वेरिएंट बताया जा रहा है। तो हमारी चूक कहें इसे कि लापरवाही कहें, क्या कहें कि अभी हम लोग सजग नहीं हो पा रहे हैं या फिर उस एक्सट्रीम पोजिशन का इंतजार कर रहे हैं जब हाई तोबा मचेगा। देखिए ये बात सच है कि ये जो वेरिएंट है इसमें इन्फेक्ट करने की क्षमता डेल्टा से कहीं ज्यादा है, और जैसा आप सही कह रहे हैं कि 3% से 73% एक वीक में ओमिक्रॉन हो गया। अब जैसा कि सेकेंड वेव से पहले हुआ था आपको याद होगा, लोग सब ये कह रहे थे हम भारतीयों को तो ये होगा ही नहीं क्योंकि हमें तो इम्यूनिटी प्राप्त है, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हुई थी। अब फिर वही चल रहे हैं, हम एक तरह से अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं, ये सोच रहे हैं कि या तो होगा नहीं या होगा तो ये माइल्ड होगा। बट हमें ये रियलाइज करना जरूरी है कि इस वायरस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत सारे लोगों को एक साथ इन्फेक्ट करेगा। तो अगर भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग इन्फेक्ट होंगे तो कुछ भले 1% भी अगर सीरियस हो गए उनमें तो हमारे हेल्थ केयर रिसोर्सेज पे अचानक से ओवरवेलमिंग वजन पड़ेगा। जो पिछली बार हर मरीज सिर्फ इसलिए नहीं मरता कि उसकी बीमारी सीरियस है, कई बार हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज चरमरा जाती है, और ये यहीं नहीं पूरी दुनिया में देखा गया है, अमेरिका जैसे देशों में देखा गया है। तो इसलिए और मैं फिर ये कहूंगा हरदम हमारी टेंडेंसी रहती है गवर्नमेंट को ब्लेम करने की, वो सही नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी खुद की अपने स्वास्थ्य के लिए तो जिम्मेदारी है, अपने परिवार के लिए तो जिम्मेदारी है। मैं जैसे बाहर जाता हूं देखता हूं, जैसे आपने कहा सेलिब्रेशन, शादियां अभी हुई, लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये तो गया। मेरी विनती यह है कि हाँ हम वायरस से नहीं मिलना चाहते, लेकिन वायरस हमसे नहीं मिलेगा ये जरूरी नहीं है, करीब करीब सबको इन्फेक्ट होगा ओमिक्रॉन से। बिल्कुल, और निश्चित रूप से बड़ी चिंता की बात है कि और उससे हम कैसे बच सकते हैं ये बड़ी एक बात है। अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई है। अर्चना जी, ओमिक्रॉन को लेके क्या लगता है आपको, केंद्र सरकार लेटर लिख रही है राज्यों को, प्रधानमंत्री मीटिंग लेने वाले हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री भी सभी ये कह रहे हैं कि सावधान, सावधानी किस स्तर पर, रैलियां हम कर रहे हैं, भीड़ को खूब आमंत्रित कर रहे हैं, ऑफिस हो चाहे घर हो चाहे बाहर हो, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम किसी एक पार्ट पे किसी को हम इस पे आरोपित नहीं कर सकते हैं या कहें कि किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ये सभी जगह की बातें हम सबक नहीं ले रहे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहली और दूसरी लहर से, चलिए पहली लहर में तो जो कुछ रही वो रही, दूसरी लहर तो लेकिन पूरी दुनिया को एक कहूं कि तबाही के रास्ते पे लेके गई, फिर भी हमको सबक नहीं ले रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि सरकारी आदेश जो जारी हो रहे हैं, महज एक खाना पूर्ति के लेके, कल को कोई बात आए, मीडिया सवाल उठाए, लोग पूछे, तो देखिए हमने 3 तारीख को आदेश जारी कर दिया था, प्रधानमंत्री ने भी मीटिंग ली, मुख्यमंत्रियों ने भी कैबिनेट बुलाई, आपात बैठकें बुलाई,
ऑर्डर जारी किए, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे, हम रैलियां भी करेंगे खुले मन से बिना मास्क के, हमारे चेहरे भी हम दिखाते रहेंगे, ये क्या, इसको क्या माना जाए, हाथी वाले दांत कहें इसे? बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। इस टाइम पर अगर देखा जाए तो किसी कोई भी सीरियस नहीं दिख रहा है। जो बार बार अगर यूरोप, यूएस, यूके के हालात देखे तो रोज अगर उसके बारे में खबर ही पड़े हैं, जैसे कि यूएस का तो 8 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है डेथ का, और बोल रहे हैं और कुछ एक महीने में, दो महीने में वहां पर 8,80,000 मौतें हो जाएंगी। और आज अगर देखें तो यूएस में भी ओमिक्रॉन से भी डेथ हुई है, यूके में ओमिक्रॉन से 12 डेथ्स हो गई हैं, यानी लगातार नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत को देखें तो अभी अगर बीच में अमित शाह की रैली हुई है यहाँ पर, उसके बाद में कांग्रेस की रैली हुई है, रिकॉर्ड तोड़ लोग आए हैं यहाँ पर, बीएसपी का रैली रहा है यहाँ पर, यानी हर चीज, यानी सारी पार्टीज को देख लो, कहीं पर भी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं थे, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं थे। 3 ईयर सेलिब्रेशन हुआ है राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट का, वो भी एकदम बिल्कुल अच्छे सेलिब्रेशन हो रहे हैं, यानी प्रोग्राम देखे, मास गैदरिंग इस तरह से हो रही है, और ऐसा एक ऐसा एहसास होता है कि कोविड चला गया है। लेकिन अगर रोज के आंकड़े देखें, आज ही हम देखें जयपुर में 4 नए ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस आए हैं, तो सबसे बड़ी बात दिल्ली में 24 घंटे में 125 केस ओमिक्रॉन के, कोरोना के माफ करेगा ओमिक्रॉन के होंगे उसमें, तो ये हमारी पोजीशन जा रही है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम पीछे जा रहे हैं? और मेरा वही सवाल था कि क्या हम हाथी वाले दांत वाली पोजीशन देख रहे हैं सरकारों की? सर, उस टाइम पर अगर अप्रैल में देखें, वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस थे, इलेक्शंस के बीच में जिस तरह से लहर आई थी, उस टाइम पर भी बिल्कुल सेम यही हालात थे। सब चीजें खुल गई थी, स्कूल्स कॉलेजेस खुल गए थे, सब चीजें नॉर्मलसी पैसा लग रहा था आ गई हैं। 15 अप्रैल तक तो मुझे यहाँ तक याद है सारे गार्डन्स फुल थे, सब लोग आराम से घूम फिर रहे थे। एकदम से जो वो वेव आई थी और उसके बाद जो एम्बुलेंस के जो वो साइरेंस थे वो कान में अभी तक गूंज रहे हैं, और वही चीज मुझे लग रहा है फिर से वही शादियों में उतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, वही स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, वही रेस्टोरेंट्स में उतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, वही पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव हैं, और यानी वो चीज अगर हम नहीं रिमाइंड कराएंगे, मुझे लग नहीं रहा है कि लोगों को वो चीज वापस याद भी आएगी। जी बिल्कुल, खतरा अभी टला। मुकेश जी आपके पास, मैं वापस आऊंगा सेना जी, मुकेश जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए केंद्र सरकार राज्य केंद्र के पाले में डालते हैं, केंद्र राज्यों के पाले में डालता है, ये बात ठीक है कि अगर हम लॉकडाउन जैसी पोजीशन में जाएंगे या कुछ सख्त कदम उठाते हैं तो हमारी इकोनॉमी पे असर निश्चित रूप से, और ये भी मान के चलते हैं कि अब इसी के साथ रहना है, साथ इसी के रहना है, लेकिन जब नोटोरियस पड़ोसी है वो, तो उससे थोड़ा सा तो हमें सावधान रहना ही होगा। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बात सही है, आप बिना बुलाए मेहमान कोई किसी के नहीं आता, ये उन मेहमान से भी ज्यादा स्वाभिमानी है, आप इसको लेने जाते हैं वो खुद अपनी मर्जी से नहीं आता कोरोना, हम उसे लेके लेने के लिए खुद जा रहे हैं, यानी कि अगर क्राउड में जा रहे हैं कौन कैसा आया, जिस तरह की हम भीड़ देख रहे हैं रैलियों में, देखिए आप, चाहे देश के प्रधानमंत्रियों हों, चाहे राज्यों के मुख्यमंत्रियों हों, चाहे वार्ड के पार्षद हों, कोई पीछे नहीं है। फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पब्लिक से कि बिल्कुल 2 गज दूरी मास्क जरूरी? देखिए ये बात बिल्कुल सही है, डॉक्टर साहब ने बड़ा विस्तार से ओमिक्रॉन की और इसकी कोविड की बड़ी गंभीरता से पूरी डिटेल में बताया, और एट प्रेजेंट पूरे दुनिया में क्या पोजीशन है इसके बारे में भी बताया। ये बात बिल्कुल सही है कि इससे सावधानी बहुत जरूरी है, और जनता में जागरूकता बढ़ाने के साथ सरकारों को इसमें जागरूकता बढ़े और पब्लिक खुद भी अवेयर हो कि ये बीमारी एक ऐसी गंभीर है जिसमें 2021 में कई लोगों ने अपने निजी मतलब परिवार में, पड़ोस में और कहीं कई लोगों को खोया है, उस बात को ध्यान में रखना चाहिए, उसकी बात को गंभीरता से रखना चाहिए। आपने दूसरी सबक नहीं लिया लेकिन आपने दूसरी बात कही कि देखिए जब स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, आपने अभी कहा भी, आप पुनः यही बात कहेंगे, स्वास्थ्य का जो मामला होता है वो प्रत्येक राज्य की सरकारों पर निर्भर होता है। अभी आपने दिल्ली सरकार का देखा होगा, दिल्ली सरकार ने अपने हिसाब से डिसीजन लिया है, गुजरात में अलग डिसीजन लिए हैं। अगर राजस्थान सरकार जिस प्रकार से प्रदेश की स्थिति को देखती है और उनको ये अगर कहीं भी लगता है कि इन चीजों में इसको सख्ती बरतनी चाहिए या इस प्रकार की रोक लगानी चाहिए या और कुछ करना चाहिए, तो सरकार उसके लिए स्वतंत्र भी है और सरकार को करना भी चाहिए। जहां तक इकोनॉमी की बात है, हमारा देश इतना बड़ा देश है जहां पर लोग बाग अपने काम धंधे कारोबार करते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि जो लॉकडाउन है वो तो अंतिम विकल्प होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने गांव शहर छोड़कर दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। लेकिन मेरा तो सवाल है मुकेश जी, मेरा तो सवाल वो ये है कि
जनता को बचना चाहिए, सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, कहा भी जाता है सरकारें अपने स्तर पर डिसीजन करें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या राजनीतिक दल अपनी सभाएं नहीं टाल सकते हैं? हम मैरिज पे अंकुश लगा सकते हैं कि 50 कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये बात सही है कि हमारे कोई भी फंक्शन हो, हमारी इकोनॉमी भी उस पर टिकी हुई है, क्यों बहुत सारे लोग हैं, कोई कैटरिंग वाला है, कोई ऑर्केस्ट्रा वाला है, कोई बैंड वाला है, कोई टेंट वाला है, बहुत सारे लोग हैं, उनकी रोजी रोटी उस पर टिकी हुई है, लेकिन हम वो सावधानी तो बरतें हैं कि आप अचानक इतनी भीड़ को, कोई भी रैली हो रही है उसमें हजारों लोग आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की रैली हो उत्तर प्रदेश में हो चाहे दूसरी जगह पे, होड़ लगी हुई है रैलियों की, तो इससे क्या हम पब्लिक से अपेक्षा करें, खुद नहीं सुधरेंगे हम लोग? देखिए इसमें मैं आपके सामने दो बातें रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि लोकतंत्र में और जो राजनीतिक दल हैं उनकी एक ये मजबूरी है कि जब चुनाव होंगे तो चुनाव में उनको घर घर जाकर मिलना चाहिए, मिलना पड़ता है, अपने जनता से मिलना पड़ता है, जनता के सामने हर राजनीतिक दल अपनी अपनी क्षमता अनुसार अपने भीड़ जुटाता है। लेकिन इसका दूसरा जो पहलू महत्वपूर्ण है वो यह है कि अगर जो वहां की लोकल स्टेट गवर्नमेंट है अगर वो डिसाइड ये कर ले कि हम रैली यहाँ पर बिल्कुल अलाउ नहीं है, जैसे दिल्ली में कांग्रेस कहती है हमको रैली की परमिशन नहीं मिली, तो उन्होंने जो पूरे देश भर की रैली थी उसको जयपुर में लाके उन्होंने किया। अगर राजस्थान सरकार भी ये निर्णय ले ले कि हमारे प्रदेश में कोई भी रैली का आयोजन नहीं होगा, कोई भीड़ का आयोजन नहीं होगा, तो कोई राजनीतिक दल नहीं करेगा, तो ये तो जो जहां की सरकार है जिस स्टेट की राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक जो चीजें हैं उस पर तो निर्णय सरकार को लेना पड़ेगा। एक उदाहरण योगी साहब का भी दे दीजिए कि अभी डिसीजन योगी साहब भी करें। देखिए यूपी में आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक दल के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर चुनाव लड़ना है, अर्चना जी ने सर वही कहा कि हमने बंगाल से सबक नहीं लिया। मैं इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, बंगाल में रिजल्ट्स पे नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं संक्रमण से, क्योंकि बंगाल के इलेक्शन के दरमियान सर पीक पे पहुंच गया था कोरोना, लेकिन ये जनता को अवेयर करने के लिए कहना जरूरी है कि जनता अपना बचाव करे, मास्क लगा के रहे, चाहे वो बाजार में जाए, चाहे रैली में जाए, चाहे शादी में जाए, अगर वो मास्क लगा के रहेंगे तो वो कुछ सुरक्षित रह सकते हैं। अर्चना जी क्या माना जाए इससे, सवारी सामान की रक्षा स्वयं करते? सर इसमें तो इन्हें अब कुछ बोलने की गुंजाइश ही नहीं रह गई है, इन्हें वाकई मान लिया लोकतंत्र है, इलेक्शंस होने हैं, लेकिन कोविड ने ना हर प्रोटोकॉल को चेंज कर दिया है। एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया है, हमारा जो ऑनलाइन शॉपिंग का है वो ट्रेंड चेंज हो गया है, तो मुझे लगता है ये नवाचार का टाइम है। अगर हम भी कुछ नया क्रिएट करें मुझे लगता है जनता उसको याद रखेगी और लाइफ लॉन्ग याद रखेगी। यही एक टाइम है जिसमें हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर बाकी इंडस्ट्रीज कर रही है तो पॉलिटिशियंस क्यों नहीं कर सकते हैं? करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अर्चना जी देखे इसमें यह हो सकता है कि हमारे लोकतंत्र के पर्व होते हैं चुनाव भी, उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप बड़ी सभाएं करें, आप अपना मैसेज वर्चुअली भी दे सकते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, एक सेकंड, मैं आपकी बात को खारिज नहीं कर रहा, लोकतंत्र है इसमें होने चाहिए चुनाव समय पे ही होने चाहिए, क्योंकि अगर एक साल भी बढ़ाते हैं तो विपक्ष कहता है कि देखिए साहब मोनोपोली चल रही है गवर्नमेंट की, अपने हिसाब से अपने प्रदेश में सरकार का एक साल बढ़ा, ये संभव नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक चीज में जरूर आप लोगों को आगाह करने कर देना चाहता हूं, जिन सभाओं में नेताओं को गलत फहमी है कि भीड़ इतनी आगो भीड़ नहीं है, या तो बुलाए हुए हैं वो दूसरी सभा में वो चेहरे दिख सकते हैं, या फिर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कोई नहीं आता आजकल, उनको वर्चुअली मैसेज दे दीजिए आप। देखिए मैं अर्चना जी की इस बात से सहमत हूं कि ये नए नवाचार जो है करने चाहिए और मोदी जी ने वो किए हैं। अगर आपने देखा हो जब कोरोना काल था तो अधिकांश जो मीटिंग्स जो हुई है सारी की सारी वर्चुअल हुई है हमारी। आप देखिए चाहे प्रदेश कार्यकारिणी हो, राष्ट्रीय कार्य समिति हो, और भी मीटिंग्स, चाहे ये गवर्नमेंट की जितनी मीटिंग्स होती है वो है, चाहे कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हो, ये सब एक नवाचार, हम इसको ये कहेंगे प्रधानमंत्री जी के प्रयासों का ही परिणाम है कि ये बहुत गति से आगे बढ़ा। लेकिन ये हमारा इतना बड़ा देश है कि आज भी इतना करने के बावजूद बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है कि जो अभी तक इसमें पूरी तरीके से सक्षम नहीं है, या यूं कहिए कि वो वर्चुअल अभी भी वो ध्यान नहीं देते हैं, तो ये धीरे धीरे इसके लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, जिस प्रकार से नवाचार किए गए हैं, उसके परिणाम आएंगे, आगे आने वाले हैं। लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि जितना वर्चुअल हो सकता है उतना भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वो कर रही है और उसको और आगे बढ़ाएंगे। मैं मुकेश जी
हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता आरसी चौधरी फोन लाइन पे हैं, कोई टेक्निकल खामी कारण वो वीडियो पे नहीं आ पा रहे हैं। आरसी चौधरी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी आरसी चौधरी जी, ओमिक्रॉन यानी कि कोरोना का नया वेरिएंट अपना दायरा बढ़ाया जा रहा है और राजनीतिक दल अपनी रैलियों का दायरा बढ़ा रहे हैं, तो ये खत्म कैसे होगा? लोग तो आप ही से सीखेंगे। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा था हमें कोरोना के साथ जीना और कोरोना के साथ में रहना है। निश्चित रूप से उन्होंने अच्छी बात कही कि कोरोना के साथ जीना है, कोरोना के साथ रहना है, लेकिन लोगों के जीवन को जी बिल्कुल आरसी चौधरी जी की आवाज साफ नहीं आ पा रही है, नेटवर्क इश्यू है, तो जैसे ही उनसे बात होती है हम लेंगे। डॉक्टर साहब के पास एक बार फिर मैं जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात है जो निकल कर आई है कि नवाचार, आप लोगों ने भी फ्री सर्विसेज भी दी। भाई कोविड का जो टाइम रहा, हम सिम्टम क्या है आपके वो डिटेल से आप लोग बात करते थे, उनको वैसी दवा बताते थे कि ये आप दवा ले सकते हैं, एक नवा था। पहले तो ये सब नहीं चलता था, टेलीमेडिसिन चलिए कॉन्सेप्ट था, लेकिन ऑनलाइन आप जिस तरह से थे क्योंकि नवाचार था, जैसे अर्चना जी ने भी कही, हर चीज में ऑनलाइन क्लासेज इंडिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जिन चीजों की जरूरत है हमने घर का सामान तक भी ऑनलाइन मंगवाया। तो क्या वास्तव में अब ये थोड़ा सा आपके लिए अटपटा सवाल हो सकता है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, क्या वास्तव में जनता के लिए जनहित में और लोकतंत्र हित में भी, मैं कहूंगा अगर जनता रहेगी तो लोकतंत्र रहेगा, क्या वास्तव में थोड़ा ट्रेंड बदलना चाहिए? देखिए एक अंग्रेजी की कहावत है, दोज हु रिफ्यूज टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर फोर्स टू रिपीट इट। बिल्कुल ऐसा ही समय मैंने सेकंड वेव से पहले देखा था जब केसेस आने लगे थे और हम सब कैजुअल थे और हमने सब भोगा है। मैं सिर्फ हमारे आदरणीय नेतागणों को यही कहना चाहूंगा कि आप भी जनता हैं वायरस के लिए। वायरस ये नहीं देखता कि ये व्यक्ति आम आदमी है या ये डीएम है या सीएम है या पीएम है, आप भी अपने आप को उतना ही रिस्क पे डालते हैं। हमारे कई आदरणीय नेताओं को हमने खोया भी है, बिल्कुल। तो इसलिए ये चेतावनी सिर्फ इस वजह से नहीं है कि जनता बचे, ये उनके लिए भी है, दे आर प्रेशियस लीडर, हमारे लीडर्स। तो एक मैं इस मंच से एक और अपील करना चाहूंगा, देखिए वर्ल्ड ओवर जितनी स्टडी आ रही है वो कह रही हैं कि दो वैक्सीन जिनको लग चुके हैं 6 महीने से ज्यादा, उनमें एंटीबॉडीज कम हो गई हैं, ऑलमोस्ट 30% तक जा रही हैं और वो ओमिक्रॉन से नहीं बचाती हैं। और बिल्कुल क्लियर ये स्टडी आ गई है कि जो बूस्टर है वो बूस्टर ओमिक्रॉन से काफी हद तक सीरियस डिजीज से हमें बचा रहा है। तो अभी भी इस मामले में उहापोह है कि बूस्टर लगे ना लगे, मेरी विनती है हमारे पास इस समय वैक्सीन की कोई कमी नहीं है देश में, और कम से कम जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हम जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या बहुत ऐसी वल्नरेबल पॉपुलेशन है जो ओल्ड लोग हैं या बच्चे हैं, ये वो समय है जब हम उन्हें अगर वैक्सीनेट कर लें, बूस्टर डोज दे दें, तो काफी अनटाइमली डेथ से हम बच सकते हैं। तो वाद विवाद रहेंगे, वो हमारा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, वो काम है, लेकिन इस समय ये वाद विवादों का समय नहीं है। दिस इज समथिंग, हम बिल्कुल वहां खड़े हैं जहां से हम हो सकता है बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी को फेस करें। आरसी चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त। आरसी चौधरी साहब, ओमिक्रॉन अपना दायरा बढ़ा रहा है, दिल्ली सरकार ने फैसला कर लिया है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन और क्रिसमस सेलिब्रेशन की इजाजत नहीं दी जाएगी, जो जहां एक तय सीमा में लोग करेंगे वहां पे मास्क चेकिंग और बड़ी सख्ती के साथ में पेश आना होगा। तो क्या कहा जाए कि रैलियां हो रही हैं, सरकार इजाजत दे रही है, केंद्र का कहना है कि राज्यों का काम है, उन्हें अपने हिसाब से स्टेप्स उठानी चाहिए। अभी मुकेश पारिक साहब से हमने पूछा। योगेंद्र जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, कितना दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि लोगों को क्रिसमस है या कोई दूसरे फेस्टिवल्स है उनको ऑर्गेनाइज करने की इजाजत जाएगी, लेकिन राजनीतिक दल अपने राजनीतिक रैलियां करेंगे, चुनावी रैलियां करेंगे और उन जनता आमंत्रित करके बुलाएंगे। ये दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र की सरकार के ये दर्शा रहा है कि किस प्रकार से देश के नागरिक उनकी प्राथमिकता में नहीं है। देश के हर नागरिक के साथ में है। रैलियों को अगर आप ये कर रहे हैं और आज ये करेंगे, ये राज्यों का विषय, स्वास्थ्य और राज्यों का विषय, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी कि हम तो झोला उठा के चल देंगे, देश में जब भी कोई आपदा का सामना आएगा, देश के प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का जो काम करते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, जो दूसरे जो पैनलिस्ट है वो एक जनरल चर्चा कर रहे थे, हमारे देश के जो साइंटिस्ट ने इनसे डाटा मांगा कि किस प्रकार से जो जीन है वो वेरिएंट हो रहा है, वेरिएंट बदल रहा है, किस प्रकार से जीन की सीक्वेंस बदल रही है,
सरकार के पास में कोई डाटा नहीं है। 1500 से 900 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने मार्च 2021 के अंदर लिख के दिया था, आज तक उन्हें कोई डेटा अवेलेबल नहीं करा पाए जिससे ये देख पाए। आज अभी ओमिक्रॉन आए, हो सकता है कल नया वेरियंट आए। हम जानते हैं कि इस देश के अंदर किस प्रकार से वल्नरेबल आबादी है, किस प्रकार से गरीबी आबादी है, किस प्रकार से लोगों के जीवन यापन है। कोरोना के साथ में निश्चित रूप से वैक्सीनेशन एक टास्क के तौर पे जो लेके चलना चाहिए था। वैक्सीनेशन हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन वैक्सीन का जो डोज लगने चाहिए वो नहीं लग रहे। बूस्टर डोज की कोई बात होनी चाहिए, केंद्र की सरकार की प्राथमिकता में नहीं है, पॉलिसी में नहीं है। इसलिए लोगों को अपनी जिंदगी और जीवन दोनों के साथ में किस प्रकार से सामंजस्य बिठाना, ये चुनौती है। मुझे लगता है कि आप फेस्टिवल्स को तो रोक सकते हैं, आप ये क्यों नहीं कहते कि हम राजनीतिक रैलियां नहीं करेंगे। दुनिया की सबसे धनी पार्टी है, आपने देखा होगा कि पहले भी अमित शाह जी ने एक बार टीवी जंगलों में लगा के कंपेन किया था, क्योंकि दुनिया की सबसे धनी पार्टी है, वो कंपेन कर सकती है। लेकिन यही देश के प्रधानमंत्री थे, मैं मुकेश जी से पूछना चाहता हूँ, जो पश्चिम बंगाल में देश की प्रधानमंत्री है, कहते कि मैंने मेरे जीवन में इतनी बड़ी रैली नहीं देखी है। उस समय इस देश के अंदर हजारों मौतें प्रतिदिन हो रही थी, उस समय उन्हें साम्राज्यवाद का विस्तार चढ़ा हुआ था, सत्याग्रही नहीं सत्ता के लालच में लोगों के जीवन को दांव पे लगा रहे थे। आज हम पूछना चाह रहे हैं कि आखिर लोगों की जिंदगी, लेकिन अब क्या हो, लेकिन आरसी चौधरी साहब अभी अभी जो हुआ उसे तो चलिए खारिज करें, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि लोगों के जान भी बचे, हमारा जो इकोनॉमी स्ट्रक्चर है वो भी बना रहे, और सबसे बड़ा जो बुरा असर पड़ रहा है वो बच्चों के स्टडी पे पड़ रहा है वो भी बचा रहे, तो उसके लिए तो कोई कदम उठाने चाहिए अब, तो चाहे केंद्र उठाए चाहे राज्य उठाए। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आपने जो बात कही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें एक राजनीतिक प्रवक्ता का बयान देना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो इस मुद्दे पे जो हमें सरकार को जो आगाह करें, उनके साथ में संवाद करें, और उनके द्वारा जो हमें निर्देशित किया जाए हम उसकी पालना करें, तो हमारे लोगों का जीवन भी बचा पाएंगे, उन लोगों की आजीविका भी बचा पाएंगे, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी बचा पाएंगे। हमें जरूरी यह है कि राजनीतिक तौर से नहीं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे जितने भी जो वायरोलॉजी के साइंटिस्ट हैं, उनसे क्या रिसर्च होके आ रही है, किस प्रकार से हमें, जिस प्रकार से हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन होना चाहिए, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, लेकिन आपने देखा कि प्रतिदिन हमें मिलियंस के अंदर वैक्सीन के जो डोज देश में लगने चाहिए वो घट रहे हैं। हमारे जो दूसरे दुनिया में बूस्टर डोज लग रहे हैं, आरसी चौधरी साहब मैं एक बात कहूंगा, देखिए इसमें सरकार चाहे केंद्र हो चाहे राज्यों की सरकार, निश्चित रूप से वैक्सीनेशन में आप सभी लोगों का एक अच्छा प्रयास रहा। डॉक्टर साहब का ये कहना, जिन लोगों ने नहीं लगवाई आज वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोगों को भी थोड़ा आगे आना चाहिए, बताया जाना चाहिए। बहुत सारी जगह मैंने देखा है, राजस्थान में भी देखा है, मैं अलवर गया था, वहां के पास के किसी गांव में था, तो वहां देखा मैंने पल्स पोलियो का टीका कि नहीं सर ये वैक्सीन लगा रहे हैं, तो व्यवस्थाएं बहुत की हुई हैं, लेकिन अब लोगों को तो आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि मालूम है कि यही एक बचाव का सबसे बड़ा जरिया है। लगातार डॉक्टर्स कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, मीडिया के माध्यम से बताया जाता है कि आपकी वैक्सीन बहुत जरूरी है, तो लोगों को आगे आना चाहिए। वैक्सीन की आई थिंक कोई कमी नहीं है, बूस्टर डोज की डिमांड हो रही है, अब उस पर गवर्नमेंट को फैसला लेना है कि वो बूस्टर डोज चालू कर पाती है कि नहीं पाती है, कि क्यों नहीं करना चाहती, एक अलग मैटर है ये, अब वो एक्सपर्ट्स की राय के साथ ही हो सकता है, क्योंकि लोगों की इच्छा है। कुछ लोगों ने कहा कि हम अपनी स्तर पे लगवा सकते हैं तीसरी डोज, मैं कहने बिल्कुल मत करना, ये क्या स्थिति हो इसका प्रोटोकॉल है, जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट की तरफ से जारी हो आप उसी को फॉलो करें। अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में, बूस्टर डोज की डिमांड कांग्रेस भी उठा रही है, अरविंद केजरीवाल भी लिख रहे हैं, तो क्या वास्तव में सरकार को इस पर कोई फैसला करना चाहिए? सर, हाई टाइम है। अगर हम करें कि हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोसेस जो शुरू हुआ था वो जनवरी में शुरू हुआ था, उसके बाद में एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, उसके बाद में मार्च और अप्रैल में इन्हें पूरा एक फुल स्ट्रेच से स्टार्ट हो गया था ये कैंपेन। तो अगर हम रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आए, एंटीबॉडीज जो है एट द मोस्ट 6 मंथ्स तक सर्वाइव करती है वैक्सीनेशन प्रोसेस के बाद, तो अब हमारा तो हाई टाइम हो चुका है। यानी जो लोग जनवरी फरवरी में वैक्सीनेट हुए उनको तो 10 महीने हो गए, और जो मार्च अप्रैल में वैक्सीनेट हुए उनको भी ले देकर 8-9 महीने हो गए, और ओमिक्रॉन का वायरस जो था नहीं वे वायरस ही है, तो हाई टाइम मुझे लगता है इस पर जो भी है फास्ट लेवल पे करना चाहिए, क्योंकि 8-10 महीने के बाद तो कह रहे हैं एंटीबॉडीज डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, तो दैट द टेन्योर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो इस पे जो भी है डिसीजन मुझे लगता है जल्दी लेना चाहिए, केंद्र सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट ने लेटर लिखा है, जो भी हो उस पे डिसीजन होना चाहिए और फाइनल अपना एक कॉल लेना पड़ेगा सरकार को। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में।
जैसे आपने कहा कि बूस्टर डोज की डिमांड उठ रही है, अभी सरकार अभी कोई फैसला नहीं ले पा रही है। खैर ये हो सकता है कि सरकार कुछ एक्सपर्ट्स की राय लेना चाह रही हो, भारत में क्यों जरूरत नहीं है, क्या कुछ बातें, बहुत सारी जगह पे तीसरी डोज यानी कि बूस्टर डोज शुरू कर दी गई है, तो क्या लगता है कि ये समय है जिनका टाइम पीरियड ज्यादा हो चुका उन्हें लगनी चाहिए? आई थिंक आप लोगों को तो काफी टाइम हो गया होगा सेकेंड डोज लगे भी। ये हम लोगों के लिए सबसे चिंता का विषय है। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, लास्ट डोज मुझे मार्च में लगी थी। अब ये दुनिया भर की रिसर्च में ये क्लियर हो रहा है, देखिए कोई भी वैक्सीन इस इन्फेक्शन से 100% नहीं बचाएगी, ओमिक्रॉन में ये प्रॉब्लम है, लेकिन निश्चित तौर पे वैक्सीन सीवियर डिजीज, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से बचा रही है मेजर। और ये भी फैक्ट है कि जिनको 6 महीने से ज्यादा हो गया है वैक्सीन लगे, उनकी एंटीबॉडी टाइटर बहुत कम हो गई है, और इस वजह से और बूस्टर लगाते ही ये एंटीबॉडी टाइटर कहीं गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए ये बिल्कुल हमें बूस्टर के बारे में सोचने की जरूरत है। एक हाई पावर्ड कमेटी ऑलरेडी इसमें उनके पास है ये मसला, और मेरी जानकारी जितनी है कि शायद अगले तीन चार दिनों में उनका कुछ फैसला आने वाला है। लेकिन हाँ, इस बात में कोई दोराय नहीं है कि बूस्टर निश्चित तौर पे दुनिया भर में मदद कर रहे हैं, अब वक्त की बात है, और ये स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर और वल्नरेबल पॉपुलेशन को तो लगाना चाहिए, इसमें कोई दोराय नहीं है। बिल्कुल, और ये बड़ी बात यह है कि मुकेश जी, मैं ये सवाल आप लोगों से नहीं लूंगा, डिमांड कर सकता है अपोजिशन, क्योंकि ये उच्च स्तरीय फैसला होना है कि बूस्टर डोज पे क्या सरकार का निर्णय हो सकता है। जैसे डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस है और कुछ क्लू मिल रहे हैं कि जल्दी इस पे सरकार फैसला ले सकती है, क्योंकि जिस तरह से वेरिएंट का दायरा फैल रहा है। लेकिन मैं गुजारिश जरूर करूंगा आपसे कि आप लोग बड़े अभियान चलाते हैं, सब चलाते हैं, अपील करते हैं, बात ठीक है, लेकिन एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों की केवल वोट बटोरने के अलावा दूसरी को जिम्मेदारी नहीं होती है। मैं ये दावे के साथ इस वजह से कह सकता हूं, आप लोगों के बूथ स्तर पे कार्यकर्ता होते हैं, सब होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ घर घर ढूंढ के लोगों को वैक्सीनेट करना चाहता है। हम लोग उनको सजग नहीं कर सकते हैं किस पे वोट डालना, ये तो हम कहते हैं, उनको पढ़ा भी देते हैं, वोट भी डाल देते हैं। ये अभियान नहीं चलाया जा सकता कि हाँ एक भी व्यक्ति बचता है तो वो समाज के लिए खतरा हो सकता है, उनको वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवाया जाना चाहिए? ये अभियान किसी राजनीतिक दल ने नहीं चलाया। बेशक हम फोटो खिंचवाने के लिए कहते हो या बताया जाता हो कि हमने, अभी अगर मैं सवाल करूंगा तो आप लोगों की शुरुआत होगी कोरोना की फर्स्ट लहर से कि हमने उस समय किट बांटे, चप्पलें दी लोगों को, ये किया वो किया। मैं सिर्फ एक सामाजिक सरोकार की भावना से जानना चाहता हूं, क्या ये अभियान किसी ने शुरू किया कि हाँ जो लोग रह गए वैक्सीन लगवाएं, उसकी जेब से कुछ नहीं लग रहा लेकिन फिर भी लोग नहीं लगवा रहे? क्योंकि मैं इसमें सरकारों को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा, ये राजनीतिक दलों को जरूर कर रहा हूं। लेकिन मुकेश जी आपसे सवाल है, एक ये अभियान होना चाहिए, धन संग्रह कर रहे हैं हम लोग, वोटों के लिए पन्ना प्रमुखों की मीटिंग ले रहे हैं, एक पन्ना प्रमुख को ये भी लगा दीजिए। निश्चित रूप से ये सभी का सामाजिक दायित्व है कि वैक्सीनेशन सबका। अभी चौधरी जी फिर इसमें केंद्र सरकार की को आरोप लगा देंगे इस पर, लेकिन यह जिम्मेवारी भी हर प्रदेश अपने अपने, आज लाखों वैक्सीन की डोज राजस्थान में उपलब्ध है, स्टॉक में है। चौधरी जी ने जो बात कही मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, मना नहीं कर रही, नहीं सुनिए, मैं वही कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कहीं कोई आड़े नहीं आ रहा। राजस्थान सरकार, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन सब उन लोगों को अवेयर करें कि वैक्सीन से बचाव हो रहा है, वैक्सीनेशन होना चाहिए। और राजस्थान सरकार को मैं अपील करूंगा कि जो जांचों की संख्या इन्होंने एकदम से घटाई है उसको भी बढ़ाए, और जांच भी बढ़नी चाहिए जिससे एक्चुअल क्या पोजीशन हमारे स्टेट की है वो भी मालूम चले। और वैक्सीनेशन जिस गति से पहले चल रहा था उस गति में भी बहुत कमी आई है, मेहरबानी करके उस गति को भी बढ़ाए तो इससे लाभ मिलता। चौधरी जी 30 सेकंड में जानना चाहूंगा, एक तो बीजेपी का यह सवाल है कि जांच का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, जो नंबर ऑफ टेस्ट है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, दूसरा एक मेरा अपनी गुजारिश है आप सभी लोगों से कि हम भी अपील करते हैं प्रदेश की जनता से, जो हमारे दर्शक जहां से सुन रहे हैं वहीं पे, कि गवर्नमेंट के पास में वैक्सीन की कमी नहीं है, आप जरूर वैक्सीन लगवाइए, आपकी जेब से कुछ नहीं लग रहा, आपके घर तक वॉलंटियर्स पहुंच रहे हैं, मेडिकल स्टाफ आप तक पहुंच रहा है, इतनी सुविधाएं सरकार दे रही है, तो आपको वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में इसे सामाजिक सरोकार की तरह भी सिर्फ उसमें आप लोग वर्कर्स को जोड़ सकते हैं कि हाँ जो लोग बचे उन्हें लगवाएं? चौधरी जी, योगेंद्र जी मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो राजस्थान की सरकार
हम वैश्विक महामारी और पूरे देश की चुनौती के तौर पर बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर कोई भी एक मॉडल राज्य रखते जहाँ पे वो ये बता पाते पूरे देश को कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमने यहाँ पे लोगों को इस बीमारी से बचा लिया है, सभी जगह पिसड्डी साबित हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन हम मानना चाहेंगे क्योंकि विपक्ष के तौर पे देखते हैं और लोकतंत्र में अभी अभी प्रश्न ये नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी भारतीय जनता पार्टी नहीं तमाम विपक्षी दलों के साथ में और जो दूसरे सामाजिक संगठन उनके साथ में समाज चले। लेकिन मेरे पास समय कमी, आरसी चौधरी साहब 30 सेकंड में आप ये बता दीजिए कि क्या कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेंगे कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाए हैं उन्हें वैक्सीन, जैसे राजस्व शिविर आपका बहुत अच्छा रहा, आपके कार्यकर्ताओं ने कहा कि पट्टा फ्री मिल रहा है आपको लेना चाहिए, पट्टे लिए लोगों ने, क्या वैक्सीनेशन के लिए भी आप लोग किसी को मोटिवेट करेंगे कि हाँ वैक्सीन लगवानी चाहिए, सरकार फ्री लगा रही है आपके? योगेंद्र जी, कल ही कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, उन्होंने एक सामुदायिक स्वास्थ्य भवन का उद्घाटन कर रहे थे, तब उन्होंने उद्घाटन करते हुए तमाम लोगों से कहा था कि जिस प्रकार से हमारे हेल्थ वर्कर्स ने आगे बढ़ के इस महामारी चुनौती के अंदर साथ दिया, हम सभी को वैक्सीन लगाने के साथ ही ये जो जीवन है वो सुचारू रूप से चलता रहे। निश्चित रूप से कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है इस संदेश को लेके ही नहीं जाएंगे, जो वंचित रह गए हैं उनके बीच में वैक्सीन कराने का भी प्रयास करेंगे। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय हो चुका आरसी चौधरी साहब, मैं सॉरी आप हमारे साथ लेट जुड़े, मैं आपसे और भी सवाल करता लेकिन मैं माफी चाहूंगा, समय सीमा का ध्यान रखते हुए चलिए। लेकिन हम गुजारिश ये जरूर करेंगे, चाहे चिकित्सक आप लोगों को लेके चिंतित हैं, सरकारें आपको लेके चिंतित हैं, आप अपनी चिंता खुद भी करिए, अगर जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई हो कृपा करके वैक्सीन लगवाएं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। मुकेश पारिक साहब का बेबाक जो बयान था वो मुझे लगता है कि उसी दृष्टि से देखें कि सवारी सामान की रक्षा स्वयं करें, आपका हेल्थ की अगर आपको चिंता नहीं है तो तय मान के चलिए कि दूसरे को किसी को नहीं है, आप अपने जीवन को संजो के रखें, आप उसे अच्छे से जिए, उस दिन अगर सेलिब्रेट नहीं भी करेंगे तो जीवन बहुत बचा हुआ जो ईश्वर का दिया हुआ है उसको आप अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं, अगर जान है तो जहान। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जनजीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।